नमस्कार, मैं दीपक राज सोलंकी और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं रिगार्डिंग मोबाइल चार्जिंग इन ट्रेड्स। तो अभी यहां पर मैं जिस चार्जर को कंसीडर कर रहा हूं वो है शाओमी का सोनिक चार 2.0, दैट इज 33 वॉट्स इंटेलिजेंट चार्जर। अब प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारे किसी भी फास्ट चार्जर को हम लेते हैं और ट्रेन में चार्ज करते हैं तो हमें फील होता है कि यार चार्जिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है कंपेयर टू जब हम घर पे चार्ज करते हैं। क्यों? द रीजन इज दी इनपुट, आप किस तरह का इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के इनपुट्स हैं, इनपुट पहला जो है 100 to 120 volt और दूसरा है 200 to 240 volts। तो ये जो हमारे घर पर जो वोल्टेज आते हैं वो है 220 to 240 volts, यानी कि सेकंड वाला इनपुट हमें कंसिडर करना है उस वक्त। यानी कि इनपुट मीन्स कौन सा इनपुट, जो आपके सॉकेट के अंदर आता है, जो चार्जर का पिन जब आप डालते हैं तो वो जो इनपुट जो लेता है चार्जर उसे कहते हैं इनपुट। तो ये वाला वो इनपुट है। और हम जब ट्रेन में चार्ज करते हैं तो ट्रेन में हमें जो वोल्टेज मिलता है 110 volts, तो उस वक्त हमें पहला वाला इनपुट कंसिडर करना है। तो जब हम पहला वाला इनपुट कंसिडर करते हैं जब ट्रेन में चार्ज करते हैं तो हमें इस तरह के आउटपुट मिलते हैं, दैट इज 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere एंड 12 volt 1.5 ampere। यानी कि 5 3 15 watts, 9 2 18 watts या 12 into 1.5 18 watts। यानी कि आप 33 वॉट के चार्जर से ट्रेन में मैक्सिमम 18 वॉट ही चार्ज कर पाएंगे, जबकि घर पर अगर आप चार्ज करते हैं तो आपको इस तरह के आउटपुट रेंज मिलते हैं विच इज 5 3 9 3 12 2.5, यानी कि आपको मिलेगा 15 वॉट्स 27 वॉट्स और मैक्सिमम 11 into 3 ampere, दैट इज 33 वॉट्स। यानी कि अगर आप घर पर चार्ज करते हैं तभी आपको 33 वॉट्स मिलेगा, और अगर आप ट्रेन में चार्ज करते हैं अपने 33 वॉट्स के चार्जर से तो आपको मैक्सिमम 18 वॉट्स ही मिलेंगे, यानी कि आप अपने फोन को सिर्फ 18 वॉट्स से चार्ज कर पाएंगे। थैंक यू।